हेलो एवरीवन वेलकम टू अनदर वीडियो सो टुडे वी हैव सम स्पेशल गेस्ट विथ अस तुम लोग हमेशा मेरे से बोलते थे भैया जिपमैट के बारे में बताओ जिप मैट का क्या सीन है इस साल जिप मैट कैसा होने वाला है एंड हाउ इज लाइफ एट आई एम बोध गया सो मैंने कहा कि लेट्स कॉल पीपल हु आर एक्चुअली लिविंग इट सो टुडे वी हैव पीपल फ्रॉम आई एम बोध गया दीप अमन एंड पावनी सो लेट्स हियर फ्रॉम देम हाउ लाइफ इज एट आई एम बोध गया हाउ एक्साइटिंग इट इज़ एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लाइफ एट अदर कैम्पस लाइक माई सेल्फ आई एम रोत सो हे दीप हे अमन हे पावनी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग एंड चलो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा ऐसा सुनते हैं कि हाउ इज लाइफ एट आई एम बोधगिया पहले तो मेरे को ये बहुत जानने में एक्साइटमेंट रहती है कि मैं तो आई एम रोहतक में रहता हूँ सो आई नो हाउ लाइफ इज हेयर बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि वट पीपल एट आई एम बोधगिया डू लाइक हाउ डज देयर डे लुक लाइक एंड हाउ एक्साइटिंग इट इज सो हेलो गाइस लाइफ एट आई एम बोधग के बारे में बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज uh, ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस का एक क्लब्ड एक्सपीरियंस uh, uh, होने वाला है कॉज थ्री ईयर्स की जर्नी को एक छोटे से वीडियो में कवर कर पाना इट्स वेरी डिफिकल्ट गाइज तो इन माई ड्रॉप ईयर आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर आई पी मैट एंड जिप मैट एंड फॉर्चुनेटली आई आई क्रैकड जिप मैट एंड केम टू एम गया एंड नाउ आई एम थिंकिंग दट एट द टाइम वॉट वॉज माई परसेप्शन एंड नाव वॉट आई हैव बिकम आई हैव चेंज इन टू अ कम्पलीटली डिफरेंट पर्सन एंड आई डेंट थिंक कि कॉलेज लाइफ इतनी मेमोरेबल होगी इतनी फन होगी यहाँ के जो इवेंट्स हो रहे हैं केस कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं और जो कॉलेज फेस्ट हो रहे हैं देव कंप्लीटली टर्न मी इंटू अ डिफरेंट पर्सन एंड आई एम प्राउड ऑफ बींग एंड आई एम बी जी एन

इसके साथ साथ कॉम्बो बैचेस के भी प्राइस रिड्यूस करके फोर ट्रिपल नाइन कर दिए जा चुके हैं और अगर आप लोग कोड आर पी एस टू हंड्रेड यूज करते हैं सो यू विल गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ टू हंड्रेड रुपीज़ ऑन दिस कोर्सेज तो देर किस बात की है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जाओ और आई पी मैट की तैयारी में लग जाओ अब चलते हैं वापस वीडियो में परफेक्ट लाइक like, मेरे को ऐसा सुन के लगा कि तुम लोग की लाइफ भी उतनी हेक्टिक है जितनी हमारी आम रोहतक में है ना सो इट्स अ कॉमन टैंज बिटवीन अस सो दैट्स रियली नाइस अच्छा लेकिन बट स्टूडेंट्स स्टूडेंटो हैव दिस डाउट कि आई एम बी बोध गया बींग अ बेबी आई एम एंड इट्स इट्स लोकेशन इन बिहार सो डू यू थिंक देर आर एनी कंस्ट्रेंट्स दैट पीपल और स्टूडेंट शुड बिफोर जॉइनिंग आई एम बोध गया एंड वट वर योर मोटिवेशन वॉइंड आई एम बोध गया So I would say that major driving force uh, for me to join the IIM was uh, the entry into an IIM directly after 12, because like koi CAT ki it will be, to do any preparation, directly after 12 you the IM. Yes, yes. And we have opportunities, international exposure, industry exposure, and uh, also I would say even if it's a baby IIM, it is an IIM. एजुकेशन एकेडमिक्स सब कुछ आई एम के स्टैंडर्ड का ही होगा बट आई वु एम बोध के इज इन बोधगया एंड बोधगया सिटी इज क्लीनर मोर ग्रीन मोर ग्रीनर एंड सेफर सिटी एंड आई वुस पॉल्यूटेडी बिकॉज ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर मोबाइल हिटर

Uh, we uh, will be hearing uh, the sports the players noises every single day feels like all the 365 days we have sports leagues going on mm -hmm. tournaments going on and it's quite exciting as well i don't play any game as such but i was a manager for a football team and I, we do actually have auction uh, for selecting the players. We'll be allocated a fixed amount of budget, and we have to <laughs> uh, act according to the budget and taking the players. It's actually a great experience for me, be, not being a player but as a manager for a team. That's that's very interesting. That's very interesting and exciting at the same time. So. बट मैंने एक चीज नोटिस की, की, की बहुत सारे केस कॉम्स होते बहुत सारे कॉम्पिटिशन स्पोर्ट्स कॉम्स होते तो वहाँ पे वॉट आर द अपॉर्चुनिटीज अकेडमिकली अवेलेबल टू आई पी एम स्टूडेंट्स इंटर्नशिप हर्ड देर इज एन इंटरनेशनलेंज प्रोग्राम कैन यू टेलउट दैट वेल फॉर आस आई पी एम स्टूडेंट देर आर समाइटिंग अपॉर्चुनिटीज ऑन दराइजन इट कम्स टू इंटरनेशनलेंज एंडिप स्टार्टिंग फ्राम द सेकंडयर द इंस्टीट्यूट अलाउज दस to take part in these activities which uh, last for varying degrees of time period from the batch of our seniors ipm 01 after the completion of second year two students had the uh, chance to embark on journey of research apprentice internship at university of notre dame which lasted for around 8 to 10 weeks and apart from this the most amazing part of the internship was that it, it was fully financed with some decent amount of uh, stipend provided to the students uh, and the institute is planning to send around six to seven students from our own batch for similar opportunities at the end of our second year. And coming to the international exchange, so the institute has partnered with various European universities and North American institutions for IPM. From the first batch, IPM01, eight of our seniors are going for uh, student exchange to Sweden for six months uh, in their sixth semester. So the next question is how competent is ipm and where does it stand with the mba when engaging in committee and clubs and other events and competitions of the institute like is there any difference between pgp and ipm when, they are, when it comes to treating them or they are considered equal when it's about how they live in the campus and how they are treated on, it, on the campus ipm is not only at par with mba but it outperforms it in many aspects such as sports, fests and case competitions.

एम बी सीनियर्स के साथ उसमें वो हमें गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं एंड आवर एम बी एस एट एवरी स्टेप एंड वर्किंग एक्साइटिंग एडिशनलीर इज एन आई पी एम कमिटी दैट इज एक्सक्लूसिवली ड्रिवे बाई आई पी एम स्टूडेंट्स विच शो केसिस अवर कैपेसिटी टू टेक द लीड इन वेरियस इनिशियटिव एंड इवेंट इंडिपेंडेंटली सो ये सब तो बात हो गई कि हाउ लाइफ इज एट आई एम बोध गया बट लाइफ के बारे में कहानी बता रहे हो कि आई एम बोध गया पे कैसी और कोई कहानी नहीं सुनाई तो मज़ा नहीं आया देखो पर्सनली आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ स्टोरीज मैं अपने लाइव स्ट्रीम पे भी अपने कॉलेज की कहानियाँ सुनाता रहता हूँ कि हमारे फेस्ट कैसे हुए हमारे स्पोर्ट्स में क्या हुआ वो क्या हम लोग फंस गए कहीं पे कहीं पे हम लोग ने कुछ मज़ा किया सो आई जस्ट वांट टू नो कि तुम लोगों ने अभी तक क्या क्योंकि हर ने अलग अलग कुछ ना कुछ सबके पास कहानी ज़रूर होंगी तो बताओ वो कॉलेज लाइफ की वो कहानी क्या है कोई एक कहानी मेरे को बताओ एंड वो बहुत मतलब बच्चों को भी मोटिवेट करेंगे और मेरे को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। uh, एक मोमेंट में शेयर करना चाहूंगा uh, जब लाइक ओरिएंटेशन वीक था हमारा तो uh, सब प्लान था हम लोग uh, एक बाहर के ग्राउंड में गए थे और सीनियर्स ने सब कुछ प्लान करके रखा थे लास्ट मोमेंट में uh, बारिश हो गई लाइक मानसून सीजन तो बारिश हो गई एंड सब कुछ चौपट हो गया सारी आउटडोर एक्टिविटीज कैंसिल हो गई तो आ, अब हुआ क्या आ, हमारे पास फुटबॉल था और आ, वी लाइक जस्ट वेरी क्रेजी टू प्ले द फुटबॉल और हम सब लोग बारिश हो गई फिर भी हम सब लोग बाहर चले गए फुटबॉल खेलने के लिए <laughs> और सब लोग गिर रहे हैं और कीचड़ उछल रहा है बट कैर सब लोग बस खेले जा रहे खेले जा रहे हैं एंड uh, और हमने फिर वो टग ऑफ वॉर भी खेला तो हमने फिर भी फुल एंजॉय कर लिया तो वो भी थोड़ा मेमोरेबल था uh, बहुत आए, सारे कपड़े गंदे भी हो गए बट इट वॉज द बेस्ट वीक आई वुड से लाइक क्या द बॉन्डिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इट वॉज फन also uh, i i remember one event during our drama class we were made to enact as monkeys <laughs> <laughs> for one long hour It was it was really great fun. Like we were literally turned out to be monkeys for one hour. like back to evolution. <laughs> exactly.: <laughs> Nice, nice, nice. So that was our time with people from I am Bodh here and hope so you enjoyed this video and if you enjoyed it, go follow them. Uh, I'll li attach links to their telegram and Instagram page in the description and you can go follow them and you can at that time subscribe to my channel also. So Tata bye bye.